हाँ भाई, आपको पता था कल मेरी सजा खत्म हो जाएगी? हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मैं उसी पर अभी काम कर रहा हूँ। उसकी जानकारी दी जाएगी तुम्हें। मेरे केमाल को अंडे के साथ पालक बहुत पसंद है। आप चिंता मत करो माँ, अगर उसका सच में खाने का मन करेगा तो वो मंगा के खा लेगा। ऐसा मत कहो बेटा, माँ के खाने की बात अलग होती है। अब क्या तुम किसी और के हाथ के बने हुए भरवा करेले खा लोगे? हाँ सच में आपका जवाब नहीं है। मैं उसे फोन करके कल के लिए बुला रही हूँ, तो कल हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। उसे भी तो याद आती होगी अपने बहन भाइयों की, जब दूर था तो बात अलग थी, है ना हुसैन? आप अपने बेटे को कुछ नहीं कह सकते, वो बस आता है और आपके हाथों को चूमता है, बस। हाँ यही तो होना चाहिए बेटा, और क्या करेगा वो? उसे उसके जहर से छुटकारा दिलाए। क्या कहा आपने, जहर? अगर वो मेरा बेटा है तो तुम्हारा भाई भी है। और मैं आपके लिए क्या हूं पापा? मैं अभी भी अपना काम नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आपके लिए मैंने एमिर की नौकरी छोड़ दी। आप जानते थे ना पापा, आप नहीं मान रहे थे। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। वो पहले से ही घर छोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने बस एक अवसर देखा और घर छोड़कर चला गया। लेकिन यहां पे सब ठीक ठाक चल रहा है ना? आखिरकार मैं भी इस घर में रह रहा हूं और आप भी इस घर में रह रहे, लेकिन मैं इस घर के लायक कभी नहीं बना। बेटा प्लीज ऐसा मत बोलो। सिर्फ एक बार पापा, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दे दो प्लीज, सिर्फ एक बार। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। पापा आपने मेरी पीठ कभी नहीं थपथपाई, आपने मेरी वाहवाही कभी नहीं की पापा, लेकिन केमाल की आपने बहुत वाहवाही की। थैंक यू वेरी मच, आज बहुत काम है। मजे करो। तुम भी। तो मुझे इन्हें दूर रखना चाहिए। हुसैन बराए मेहरबानी ऐसा मत करो। मैं क्या कर रहा हूँ फेमे? ऐसे अनजान मत बनो, लड़का सही कह रहा है। वो नहीं है फेमे, बस मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। वो या तो हमें उजाड़ देगा या फिर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। और केमाल का क्या, क्या वो इम्तिहान नहीं ले रहा है? केमाल कभी अपने भाई बहनों के साथ गलत नहीं करता, वो अपनी ही लगाई आग में जल रहा है और हम भी उसमें जल रहे हैं, जिसे रोक नहीं सकते। लेकिन तारिक बहुत अलग है। हुसैन प्लीज ऐसा मत करो, अपने बेटे से बात करो। उससे किस बारे में बात करूं और कितनी बार बात करूं? क्या उसे ये बताऊं कि तुम अपने बाप को नीचा दिखाना चाहते हो, अच्छे बुरे की समझ नहीं है तुम्हें, जिंदगी भर इन लोगों के लिए मेहनत की है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है हम तुम्हें जिंदगी का आराम नहीं दे पाए, मगर हमें मत मारो बेटा। क्या बोलूं उससे मैं? हुसैन तो तुमने मन बना लिया? हाँ मैंने मन बना लिया है मिस्टर एमिर।
मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और फैसला लिया कि मैं यही काम करूंगा। बहुत अच्छे, सही फैसला किया।